वीकेंड कैसे गुजरा सबका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाए, आपका कैसे गुजरा? एवन अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आ लें, क्योंकि आज हंटिंग का टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, प्रीवियस होता फिर भी था, फिर ओके बाद ओके में वो कहेंगे कि समय नहीं आते। 5 मिनट वेट करते हैं, जैसे ही आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो कोशिश किया करो, एग्जैक्ट 10 o'clock ज्वाइन कर लिया करो। अभी टाइमिंग भी चेंज करने के को सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ विंटर टाइमिंग हो गई है, मगरिब होती है 6:22 पे और ईशा हो गई 8 बजे। तो अब मैं प्रीवियस बैच के भी पीछे की है, तो इसकी भी सोच रहा हूँ करूँ, क्योंकि यहाँ पे 11 बहुत लेट हो जाती है, आधी रात गुजर जाती है। सर, बहुत लेट हो जाता है, फिर सुबह आंख नहीं खुलती है। सोच रहा हूँ, टीम के वैसे साथ यही बात हो रही थी, अब देखो। ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रात को 3 बजे सोते हैं, तो आप 11 बजे लेट गए। भाई वो उन्होंने उठना भी लेट होता है ना, आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकिन भाई कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह देखने 4 बजे भी उठना होता है। को। हाँ बिल्कुल, ये इसके बारे में कुछ कहा जाए। ना, अभी आगे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सारा टाइम मैं सोच रहा था कि करना पड़ना है कुछ, क्योंकि विंटर टाइमिंग है, सारी चेंज होनी है, सारे शेड्यूल चेंज होने हैं। हेलो मैं तो डायरेक्ट जी क्वेश्चन जी आपके बहुत बड़े बड़े सर, सुबह मैं 4 बजे सोता हूँ और 8 बजे उठ जाता हूँ। करता हूँ, लैंड एक्विजिशन करता हूँ, और ऐसे ग्रेट हो सरकार। वो पास से कुछ नहीं होता है, पीओआर है, ए पीछे आपका लेक्चर अरे सर है लेकिन और पीओआर। भी बहुत काम होते हैं, तो काइंडली ये टाइम का बिल्कुल इस पे गौर फिक्र करें। जी, करते हैं फिलहाल तो चलें, अल्लाह खैर करें। लेकिन अभी सारी टाइमिंग चेंज हो रही है ना, आपको कॉलेज स्कूल खुलते हैं, यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, तो सारा शेड्यूल जो विंटर के अकॉर्डिंग आ जाना है, तो बिल्कुल उसमें सर, हमें ऐसे भी ही है, चेंजिंग ऐसे करनी पड़ेगी। ही है। जी चलें, करते हैं कुछ इंशाल्लाह इस बारे में भी। इंशाल्लाह अच्छा, ऑलमोस्ट इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट आ चुके हैं सारे, और होप्स और लिस्टिंग का टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से कवर हुए हमारा, और सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आज हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट हंटिंग का है। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाई, नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग करवाई। मैं थोड़ा सा आपको मैनुअली बताऊंगा, पहले हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जानना है कि प्रोडक्ट हंटिंग है क्या चीज़, और इसमें हम किस तरह का प्रोडक्ट हंट करते हैं, और क्या क्या वेज हैं इसका हंट करने की। ठीक है चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करना, ठीक है, ये प्रोडक्ट हंटिंग में आता है। हंटिंग से हम लोग इसे क्या कहते हैं, सर्चिंग को हम यहाँ हंटिंग एज हंटिंग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बस एक उन्होंने वर्ड यूज़ कर लिया हंटिंग का। बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट को सर्च करना ही प्रोडक्ट को हंटिंग कहते हैं हम लोग इसे। इसमें क्या करते हैं, हम एक ऐसा प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कंपटीशन लो होता है। मतलब हम अगर फिजिकली मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, तो हम बाजार में जब जाते हैं वहाँ पे, हम लोग खुद, जब आप लोगों ने फिजिकली बाजार का विजिट किया होगा, तो आप खुद जब वहाँ पे शॉपिंग कर रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है यार कि ये जो प्रोडक्ट है ना, कोई भी ले लें, उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे सेलर कम बैठे होते हैं, वहाँ शॉप्स कम होती हैं, तो आप खुद से अंदाजा लगा रहे होते हो कि यार इस प्रोडक्ट को अगर बंदा सेल करना तो बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, इस दुकान पे 24 घंटे रश होता है और इस प्रोडक्ट की वजह से होता है, बाकी ये प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलता। इस तरह का प्रोडक्ट हम हंट करते हैं ऑनलाइन ही, कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसके कंपटीटर कम बैठे हों। ठीक है, ये प्रोडक्ट हंटिंग में आता है, उसे हम हॉट विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। अब हॉट विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है, वो फर्दर जब हम नेक्स्ट करेंगे कि जिसकी सेल्स अच्छी हों, जिसके रिव्यूज़ कम हों, जिसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, BSR कम हो, वो सारी चीज़ें फर्दर मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकली जब करवाऊंगा तो फिर चीज़ें आ जाएगी आपको समझ के, हॉट विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है और विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं प्रोडक्ट में, जिसकी बाइंग एंड सेलिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो। अब बाइंग फिर एंड सेलिंग दोबारा से पावर से मुराद बताइएगा कौन से प्रोडक्ट्स। जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, कंपटीशन लो हो, मैंने पहले ये बताया। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने बताया कि हम ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी बाइंग या सेलिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। अब बाइंग या सेलिंग पावर से मुराद क्या है, तो मतलब वो पब्लिकली वो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, ये वही पहला पॉइंट से आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो हमारे मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन हमारे नहीं बिकते, ठीक है, और लेकिन फिजिकली वो प्रोडक्ट बिक रहा होता है,
और मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली कम बिकते हैं, ऑनलाइन ज्यादा बिकते हैं। तो हम ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिसके ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग जो पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए, हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। उसके बाद क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट वही जिसमें कंपटीटर कम हो, कंपटीटर से मुराद के उसके सेलर कम बैठे होंगे। जब हम अमेजोन पे जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट हम जब हंट करेंगे, हम उसमें क्या देखेंगे, उसके सेलर देखेंगे, किसी में 2000 बैठे होंगे, किसी में 1500, किसी में 400, किसी में 500। फिर हम उनका फर्दर एनालिसिस करेंगे कि ये 400 बैठे हैं तो ये 400 किस बेस पे बैठे हैं, अगर 2000 बैठे हैं तो 2000 किस बेस पे बैठे हैं। जो मोस्टली कैटेगरीज आ जाती हैं शूज की, क्लॉथिंग की, उनमें क्या होता है हमारे जो सेलर बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। और ये शूज और क्लॉथ ये ऐसी नेसेसिटी है कि ये जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाली। अगर कोई और प्रोडक्ट है ना, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ले लें, उसकी डिमांड क्या होती है, एक टाइम तक होती है, ठीक है, लेकिन ये कपड़े और जूते ये पूरी जिंदगी रहने हैं, ठीक है। अब इनकी लाइफ टाइम कितनी होती है, 1 साल 6 माह मैक्सिमम, इससे ज्यादा ये भी नहीं, मतलब फिर खराब हो जाते हैं, फिर न्यू लेने पड़ते हैं। तो हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा हो। फिर हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा सीजनल ना हो। अब सीजनल क्या होता है कि सीजनैलिटी ना आ रही हो या ट्रेंडी ना हो, मतलब कि किसी एक माह में या कुछ पीरियड में, मतलब साल के 3 माह बिके, बाकी पूरा साल हमारा वो प्रोडक्ट क्या है ऐसे कैसे ही पड़ा रहे, उसे कोई पूछे ही ना। मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्रिसमस रिलेटेड होते हैं या इवेंट से रिलेटेड होते हैं। अब क्या होता है कि पूरा साल उन प्रोडक्ट्स को कोई नहीं पूछता, लेकिन जब दिसंबर का माह आता है क्रिसमस प्रोडक्ट्स का, तो जब दिसंबर का माह आता है तो वो प्रोडक्ट्स अरूज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, हमने ऐसा प्रोडक्ट लेना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो पूरा साल चले। अगर लेट्स सपोज आप ऐसा कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं जो किसी 1 माह या 2 माह चले आपका बिकता है, आपने इन्वेंट्री भेजी अमेजोन के वेयर हाउस में, आपके पास इन्वेस्टमेंट ही इतनी थी जो आपने सारी लगा दी इसके ऊपर, अब जब तक आपकी वहां पे इन्वेंट्री पहुंची, मेरा वॉइस क्लियर है ना? जी सर, यस सर, क्लियर है जी। हमारी इन्वेंट्री जब पहुंची वहां, तो वहां पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो लग गया, 1-2 माह उसका ट्रेंड था, वो हमारी जो आधी चले आधी इन्वेंट्री हमारी वहां पे बिक गई, लेकिन आधी इन्वेंट्री जो है वो अगले साल तक वहीं पड़ी रहेगी, अगले साल तक उसे कोई पूछे गए नहीं मेरी इन्वेंट्री को, क्या अगले साल तक मैं उसमें क्या अमेजोन के वेयर हाउस के चार्जेस उसे देता रहूंगा, वो मैं अपनी जेब से दूंगा। फिर अगला साल जब आएगा उसका एक वो माह आएगा जिसमें वो ट्रेंडी थी, जिसमें उसकी सेल होनी थी, फिर मेरी इन्वेंट्री निकलेगी। तो इसमें क्या होगा कि पूरा साल मुझे अपने पास से खर्चा देना पड़ेगा, मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट में हम नहीं जाते जो किसी 1 माह या 2 माह या 3 माह सेल आउट होता हो, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो मेन चीज है, अब मैंने हंट करना है, ठीक है, अगर यूके का प्रोडक्ट तो मैंने वेबसाइट यूके की ओपन करनी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा amazon.co, अगर मैं यूएसए में अमेरिका में प्रोडक्ट हंट करना चाहता हूँ तो फिर मैं अमेरिका की वेबसाइट लिखूंगा amazon.com, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा तो amazon.co.au, इस तरह अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हम जिस मार्केट प्लेस में सेल आउट करना चाह रहे हैं उस मार्केट प्लेस का हंट करेंगे, और फिर जितनी भी हंटिंग होगी, एक हंटिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया तो बस वही डन हो गया, एक ही ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता। उसमें हमने जब हंटिंग करनी होती है तो 3 से 4 टूल्स होते हैं इसमें, उन टूल्स से हमने उसका एनालिसिस करना होता है, फिर उसके कंपटीटर एनालिसिस करना होता है कि इसमें कंपटीटर जो बैठे हैं वो कितना रिवेन्यू जनरेट करें, उनको देख के फिर हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, उसके बाद हम प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, ठीक है। ये चीजें सारी बड़ी मद्देनजर रखनी होती है। उसके बाद जो मेन चीज आ जाती है हंटिंग में, वो क्या आ जाती है, आप जी सर, अगर जैसे हम पाकिस्तान से बैठ के अगर हमारा यूके का कोई या यूएस का क्लाइंट कोई आ रहा है, तो हम जैसे वहीं की फिर हम वेबसाइट से हम उसका मतलब प्रोडक्ट हंग करके देंगे जी, एग्जैक्टली उसी का, जहाँ पे वो कहेगा, अगर वो कहता है कि मैंने यूके मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहा हूँ, तो फिर हम यूके मार्केट का करेंगे। अगर वो कहता है अमेरिका का, तो फिर अमेरिका में जाएंगे। अमेजोन जैसे पाकिस्तान में भी आ गया, अगर कोई पाकिस्तान का क्लाइंट हो तो यही की फिर हम करेंगे पाकिस्तान से, मतलब अमेरिका की है और किसी के साथ कॉम नहीं लगता। देखिए वेबसाइट में फर्दर आपको टूल्स में दिखाता हूँ, ज्यादा सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है कि हम प्रोडक्ट कैसे हंट करेंगे। अब इसके लिए क्या होता है कि हमें पता होता है कि भाई मेरी जेब में कितने पैसे, जब हम बाजार जाते हैं ना,
मोस्टली ये फीमेल्स या कोई बॉयज भी जाएं, तो हमें पता होता है कि मेरी जेब में इतनी इतने पैसे हैं, इसके अकॉर्डिंग मैंने शॉपिंग करनी है। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट अपना लॉन्च करने जाएंगे तो हमें पता होगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। मैं आपको पीछे स्टैंडर्ड प्राइस का कहता हूँ कि हमने स्टैंडर्ड प्राइस ये रखनी है, ये रखनी है, ये रखनी है। वो क्यों रखनी है? लेट्स सपोज हमारे पास इन्वेस्टमेंट है $10,000, लेट्स सपोज $10,000 मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका में मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ अपना प्रोडक्ट, और मैं एक ऐसा प्रोडक्ट हंट कर लेता हूँ जो प्रोडक्ट है ही एक प्रोडक्ट $1,000 का। अब एक प्रोडक्ट $1,000 का, तो उसकी इन्वेंट्री में कितनी भेजूंगा? 10 भेजूंगा, उसमें मैं सेल कितना, सेल आउट कितना कर सकूं? अभी देखें $1,000 का अगर कोई एक प्रोडक्ट है, मतलब इट्स मीन को साइज में बहुत बड़ा है, फिर उसमें क्या है, उसके शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। मैन्युफैक्चरिंग अगर मुझे $1,000 पड़ी है तो उसके शिपिंग चार्जेस अलग हैं, उसके FBA चार्जेस अलग होंगे जो वो डिलीवरी करेगा, उसके बाद उसके वेयर हाउस के चार्जेस ज्यादा होंगे। अब वो कितना राउंड आउट पड़ जाएगा मुझे? $1,200 में। अगर वो $1,200 में पड़ा है तो मैं मैक्सिमम कितने में बेच सकूंगा? $1,400 में, $1,500 में। अब मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? $1,200 पे सिर्फ $300 का प्रॉफिट हो रहा है। मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? ठीक है, ये कितना हो जाएगा मुझे? $3,000 प्रॉफिट हो जाएगा। $10,000 पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? सिर्फ $3,000 हो रहा है। क्यों? मैंने प्रोडक्ट ऐसा हंट कर लिया जो बहुत बड़ा था। जो बड़ा प्रोडक्ट होता है, ये माइंड में रखिएगा, जो बड़ा प्रोडक्ट होता है जिस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ज्यादा होती है, उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम रह जाता है, उससे हमें कम प्रॉफिट मिलता है। अगर ये आप प्रोडक्ट $5 तक है, $1, $2, $3, $4, $5 तक, दो का हो जाए, तीन का हो जाए या पांच का हो जाए, $5 तक है, वो आप कितने में करोगे शिप? आपका लेट्स पर $1 में शिप हो गया, $1 उसके FBA चार्जेस हो गया, $1 उसका वेयर हाउस का जो है वो किराया, वो हो गया, कितने में आपको पड़ गया? $8 में। $8 में आपको पड़े, आप उसे कितने में सेल आउट कर सकते हो? मिनिमम आप उसे $20 या $18, कम से कम $18, मैक्सिमम आप उसे $25 से $28 तक सेल आउट कर सकते हो। कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको एक प्रोडक्ट पे? कितना? $15 का या $18 का या मे बी $20 का, अगर आप उससे ज्यादा सेल करते हो, 28 का करते हो तो आपको $20 का भी प्रॉफिट हो रहा है। एक प्रोडक्ट पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? $20 का। और वहां पे कितना हो रहा था आपको? 1200 के साथ ₹300। और यहाँ पे अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कितने मेरी $8 में हो रही है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? $20 एक प्रोडक्ट पे। और यहाँ छोटे प्रोडक्ट हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? सिर्फ $5 है। जब $5 होगी आपके पास, 10,000 है आपके पास इन्वेस्टमेंट, आप 10,000 की बजाय 5,000 करते हो, 5,000 में आप कितने पीस वहां भेज दोगे? पांच में आप 1,000 पीस भेज दोगे। $5 का आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, 5,000 आप करते हो कि मैं 5,000 की मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ, आप 1,000 पीस उस प्रोडक्ट के भेजोगे। अब 1,000 पीस पे, हर पीस पे आप कितना निकाल रहे हो? $20 प्रॉफिट ले रहे हो। तो जब 1,000 पीस आपका सेल होगा तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 पे कितना प्रॉफिट कर रहे हो? $20,000 प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। ये सारी माइंड गेम होती है, हमने कैसा प्रोडक्ट हंट करना है। अब यहाँ वहां पे देखिए मैं कितना करा था, $10,000 पे कितना प्रॉफिट जनरेट करा था? $3,000। और यहाँ पे मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ? $5,000 पे $20,000 प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। इस तरह का हमने प्रोडक्ट हंट करना है। ये थोड़ा सा माइंड सेट होता है, ये ऐसा आपको कोई भी नहीं, मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी सर, अभी थोड़ी सी कट रही है आवाज। अच्छा, ऐसा, हाँ वो नेट पे इशू था थोड़ा सा, तभी मैंने पूछा। सर, इसके लिए इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज देखें, कितनी चाहिए होती है? ये हमें USA या UK मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए प्राइवेट लेवल, मैक्सिमम 20,000 के इसके दरमियान चाहिए होती है हमें प्राइवेट लेवल की, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर आपको मतलब PPC कंपनी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट समझे आप, एडवर्टाइजमेंट के लिए मेन सबसे ज्यादा खर्चा क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का आता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देता हूँ कि देखिए, जब हम कोई भी प्रोडक्ट आता है, लेट्स सपोज मैं ये लक्स की एग्जांपल ज्यादा देता हूँ, प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसी की दी थी कि लक्स, लेट्स सपोज आप लक्स मैन्युफैक्चर करवा रहे हो या जो कंपनी मैन्युफैक्चर करवा रही है, जो सेल कर रही है, उसका कितने में बनता होगा? हमें कितने में मिलते हैं? हमें आजकल 100 या 110 का, इसके राउंड अबाउट मुझे सही आइडिया नहीं है, लेकिन इसके राउंड अबाउट ही प्राइस होगी हमारी। वो मैन्युफैक्चर पता है कितने में होता होगा? वो मैक्सिमम ₹10 में मैन्युफैक्चर होता है वो सोप लक्स का, एक एक प्रोडक्ट उसका। फिर क्या होता है,
वो वहां से आउट होता है कंपनी से, नेशनल रिटेलर के पास जाता है। नेशनल रिटेलर्स पे कंपनी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो टैक्स लगाना ही है ना, उसके बाद नेशनल रिटेलर क्या होगा, अपना प्रॉफिट रखेगा। वो फर्दर कितने में बेच देगा, 15 या 20 रुपए में, 15 से 20 के में। वो किधर आएगा, रीजनल रिटेलर के पास। रीजनल रिटेलर के पास आएगा, वो अपना टैक्स लगाएगा, वो कितना प्रॉफिट रखेगा, वो क्या करता है, 30 25 30 रुपए में आगे फर्दर बेच देगा पर प्रोडक्ट। वो अपना कितना प्रॉफिट लेगा, 10 से 15 रुपए वो पर प्रोडक्ट इतना प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, 30 रुपए का हो गया। फर्दर जब आएगा ये नीचे, ये एरिया रिटेलर्स के पास, ठीक है, ये शॉपकीपर्स के पास, इनके पास आएगा, फिर गवर्नमेंट का टैक्स मिला के वो कितने में बन जाएगा, 100 रुपए का। अब यहाँ पे 100 का वो जो गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, और फिर यहाँ पे एक और होता है यहाँ पे टैक्स इनका, वो उन्होंने किसका लगाया होता है, वो एडवर्टाइजमेंट का। वहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, अब अवाम उसे खरीदे कैसेगी, उन्होंने तो मैन्युफैक्चर कर दिया, लॉन्च भी कर देते हैं लेट्स सपोज, उसके बाद अवाम को कैसा पता चलेगा कि हर किस्म के सोप से, उन्हें कैसे पता चलेगा कि लेट्स सपोज ये लक्स का सोप है, ये बेस्ट है बाकियों की निस्बत और ये हमें खरीदना चाहिए। तो इसके लिए क्या वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। अगर उन्होंने लेट्स सपोज 10 रुपए में एक प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वो अगर 10,000 पीस ही बनाते हैं, तो उनका कितना खर्चा हो जाएगा, 1 लाख खर्चा हो जाएगा। अगर 1 लाख उनका मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा आ रहा है, तो जब उन्होंने फर्दर उसकी एडवर्टाइजमेंट चलानी, अब 1 लाख में वो कितना पीस बना रहे हैं, 10,000 पीस बना रहे हैं, लेकिन वो उससे बेचने के लिए, उसे सेल करने के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई है। एडवर्टाइजमेंट की वजह से उनके क्या है, इंक्रीज हुई है सेल रेट। अब जब एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, तो वो जो 1 लाख रुपए उनका इन्वेस्ट हुआ था कंपनी का, उसने मैन्युफैक्चर किया, उस 1 लाख की बजाय उन्हें 10 लाख करना पड़ेगा, और 9 लाख किस पे खर्चा करेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करेंगे। ठीक है, 9 लाख एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, 1 लाख प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे। ज्यादा खर्चा किस साइड हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे हो रहा है। अब ये एक छोटा सा कमर्शियल हमारे पास आता है, कुछ सेकंड्स का, 30 या 40 सेकंड्स का होता है, मैक्सिमम 1 मिनट का होता है, ये टीवी पे आ जाते हैं, जैसे मशहूरी कमर्शियल या कुछ भी कहते हैं, ऐड कह देते हैं, वो आता है। अब वहां पे उसका ज्यादा खर्चा हो रहा है। सिमिलरली फिर जब वो हमें आता है, तो बना 10 का होता है, हमें 100 का, 110 का मिलता है। सिमिलरली जब हम कोई प्रोडक्ट प्राइवेट का लॉन्च करते हैं, प्राइवेट लेवल का, तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी बहुत कम हुई होती है, ज्यादा खर्चा हमारा कहाँ आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट पे। तो क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करें, ऐसा प्रोडक्ट लें जिसमें क्या हो, हमें एडवर्टाइजमेंट ही कम करनी पड़े। जब हमें एडवर्टाइजमेंट कम करनी पड़ेगी, लेट्स सपोज कि सिर्फ हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, FBA चार्जेस, वेयर हाउस के चार्जेस, शिपमेंट कॉस्ट, ये लगेगी, हमें एडवर्टाइजमेंट कम करनी पड़ेगी, हमें एडवर्टाइजमेंट लेट्स सपोज इतनी करनी पड़ेगी, $500 या 1,000, चले मैक्सिमम $1,000 करें, $1,000 की मेरी एडवर्टाइजमेंट होगी। $6,000 हो गया, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, कोई एक प्रोडक्ट जो $5 का मैन्युफैक्चर हो रहा है, $6,000 मेरा इन्वेस्ट हुआ, आउटकम मेरा कितना है, $20,000। ये सिंपल ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हम हंट करें, जिसमें हमें PPC कंपेन का मतलब यो सारा प्रोसीजर ना करना पड़े, जिसमें हमें एड्स ना देने पड़े, सिंपल हम अपने खुद सेल्फ पे ना। ओ, कंपटीटर के साथ कंपीट कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को रेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी एडवर्टाइजमेंट पे होगा, और क्या पता आपके एक सेल पे, अब जिस तरह सिंपल मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट एक दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट की होती है, एडवर्टाइजमेंट करते कैसे हैं। अब जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करता है, क्या पता उसके पास इतनी सेल्स ना हो। एडवर्टाइजमेंट पे क्या होता है कि सिंपल किसी ने अगर क्लिक भी कर दिया है, प्रोडक्ट बिके या ना बिके वो उनका हेडेक नहीं होता, सिंपल किसी ने उस पे क्लिक कर दिया, जो एड आए होते हैं मोस्टली फेसबुक पे आए होते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, वीडियो हम लोग देख रहे होते हैं तो वैसे आ जाते हैं एड्स, वो जो एड जाते हैं अगर वो कोई क्लिक भी कर दे सिंपल, तो क्या होता है कि उनके अकाउंट से या तो 1 डॉलर या $0.5 कट जाता है, उन्होंने उसे पे करना है चाहे सेल हो या ना हो। तो इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट पे लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, क्योंकि विजिट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, फिर क्या होता है वो विजिट कर लेते हैं, खरीदते नहीं है, तो उसमें क्या होता है हमारी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। लेट्स सपोज अगर 1,000 बंदा आपके उस एड पे क्लिक करता है, तो आपकी पॉकेट से तो सर $1,000 गए, थोड़ा लेकिन आराम, सर आप थोड़ा तेज से जा रहे हैं, थोड़ा आराम आराम से समझाएं। ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ आपने कोई प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेवल का लॉन्च कर दिए, अब उसको क्या करना है, आपने उसे रैंक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं भी एज अ सेलर ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, उसके एडवर्टाइजमेंट चलाओगे। जब एडवर्टाइजमेंट चलाओगे, तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे होते हैं, वो पर क्लिक जो है आपसे $1 या $0.5 या $2 लेते हैं। अगर लेट्स सपोज पर क्लिक वो आपसे $1 ले रहे हैं, वो फर्दर ये सारा प्रोसीजर आपको PPC कंपेन में पता चलेगा। फिलहाल मैं सिंपल हंटिंग का ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसमें क्या होगा
कि आपसे $1,000 उन्होंने ले लिए, पर अगर प्लेट जो आपने है ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं वो अमेज़न ही कर रहे होते हैं, मतलब ठीक है। मतलब हाँ यहाँ पे सिंपल के मतलब हमने ऐड दे दिया, अब वो आगे से कोई यूजर क्लिक करता है तो हमें मतलब जितने वो क्लिक करेंगे यूजर उतने डॉलर देने पड़ेंगे। उतने डॉलर देने पड़ेंगे, लेट्स सपोज अगर 1,000 बंदा क्लिक करता है तो मैंने $1,000 देने हैं। और अब जरूरी नहीं है कि जो क्लिक करेगा वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे भी, जरूरी नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं ये आपको दिखाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे जो एड्स आए होते हैं, ठीक है, या मैं आपको एड्स दिखाता हूँ कि अमेज़न में एड्स किस तरह देते हैं। अगर सेलिंग नहीं हो तो भी इसमें हम लोग को पैसे देने पड़ेंगे हम वो प्रोडक्ट। क्लिक जो करते हैं पर क्लिक हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये फर्दर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिलहाल मैं वो चीज नहीं समझाने लगा आपको कि हमें पर क्लिक देना है या नहीं देना, सिंपल मैं बता रहा था कि अभी देखें आपका 1,000 प्रोडक्ट गया, 1,000 लोगों ने सारे क्लिक किया तो इनके एड चल रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसके अकाउंट से $1 जो है वो डिडक्ट कर लेगा, लेकिन मैंने क्लिक कर दिया। सेम यही चीज होती है, देता हर कोई नहीं है, लेकिन क्या पता उस पे क्लिक कर दे कोई, जैसे ही कोई क्लिक करेगा आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। ये भी स्पॉन्सर्ड है ये, ठीक यारी है। अब बिल्कुल। इसमें क्या होगा, अरे क्वेश्चन है, जी अमेज़न के ऊपर जब हमने किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देनी है तो फिर हमने एडवर्टाइजमेंट की उसे क्यों पे यार, करना सेलर है? चेक करें कितने, 1,00,000 सॉरी 40,000 सेलर कितने बैठे हैं, 40,000। इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं, 40,000 लोग बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और पहले पेज पे कितने लोग हैं, 124 लोग। लेट्स सपोज आपने यही प्रोडक्ट खरीदने हैं, अब जिसने क्वेश्चन पूछा मुझे नेम नहीं पता, मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ। अब जिसने क्वेश्चन, आपने यही प्रोडक्ट गार्डन होज खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, इन 40,000 को इकट्ठा विजिट करोगे या सिंपल क्या करोगे, पहले दूसरे को देखोगे, मैक्सिमम यहां तक चले जाओगे, 10 पहले 10 को देख लोगे, या पहले पेज वालों को चले पहले 24 को देख लेंगे, अगले पेज पे आप जाने की जहमत नहीं करेंगे कि मैं पेज 2 पे चला जाऊं, नहीं आप कहोगे बस ठीक है यही यहां से कोई देखता हूँ खरीदता हूँ, ठीक है। अगर चले दूसरे पे भी चले जाते हैं, तीसरे पे आप कभी नहीं जाएंगे। ये 40,000, अब देखिए पता नहीं कितने ज्यादा पेजेस हैं, एक पेज पे 24 लोग हैं सिर्फ। तो अभी क्या हर किसी की कोशिश क्या होती है कि मैं पहले पेज पे हूँ। अब जब पहले पेज पे वो आने की कोशिश करेगा तो उसे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो अब यहाँ देखें इसका 40,000 सेलर बैठे हैं, अगर मैं इसमें लॉन्च करता हूँ तो फिर क्या होगा, मेरा मेरे साथ जो हशर होगा वो आपको पता है फिर, ठीक है, कि 40,000 में मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी इसकी, खुद अंदाजा लगाएं। ये फर्दर जब एनालिसिस करूंगा सर, इसी प्रोडक्ट का मुझे याद करेगा। जो अभी आप बात कर रहे हैं कि जी हम हमारा जो है वो अगर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो हम वेरी नेक्स्ट पेजेस पे जो है वो जाते जाएंगे एज कंपेयर टू अदर सेलर्स। लेकिन अगर जो है जैसे 40,000 है, 40,000 में से अगर 5,000 जो होंगे सेलर, उन्हें उन्हें भी ये बात पता होगी ना कि हमने एडवर्टाइजमेंट करवानी है। 40,000 को पता होगी, ठीक है, और हर किसी की कोशिश होगी। फिर इसमें क्या प्रोसीजर क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, ये नहीं होता कि पूरा पूरा साल एडवर्टाइजमेंट चलती है, एडवर्टाइजमेंट 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की या 1 हफ्ते की, इस तरह पैकेजेस होते हैं। तो फिर हर एडवर्टाइजमेंट जो भी होता है सेलर, उसकी कोशिश होती है मैं 1 हफ्ते या 3 दिन की लगवा लेता हूँ जो कुछ है, ये है कि उसका उस 3 दिन में, उन 3 दिन में उसका इतना रिवेन्यू जनरेट हो जाता है कि वो पूरे महीने का जो उसकी कमाई होती है वो पूरी हो जाती है, इतना हो तो जाता सही, है। हर तो हर महीने किसी का को आना चाहिए होते पड़ता हैं, ये हर हफ्ते भी करवा लो, डिपेंड करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हम ये पीपीसी कंपेन को आप अंदर ना ले आए, मैं आपको हंटिंग का बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसमें हमें एडवर्टाइजमेंट ना करनी पड़े, अगर करनी भी पड़े तो कम करनी पड़े। अब खुद अंदाजा लगे 40,000 सेलर बैठे हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमें करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है करनी बहुत पड़ेगी, करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है मेरे इन्वेस्टमेंट पे। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, इनका मैं आपको फर्दर एनालिसिस दिखाऊंगा, इनके रिवेन्यू बहुत ज्यादा है, 1,40,000, 1,20,000, 80,000, 98,000 पाउंड इनका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है एक एक सेलर का, तो जो इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट मुश्किल नहीं है। अब देखिए खुद अंदाजा लगे 1,40,000 पाउंड को कैलकुलेट कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में कितने करोड़ों में बनते हैं, जो एक माह में इतना कमा रहा है, तो अगर वो 50 लाख की ही एडवर्टाइजमेंट कर दे तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, किसके, हमारे जैसे सेलर की सेहत
पे असर पड़ेगा जो पहले स्टेप लेंगे, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। लेकिन जो बैठा है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो पुराना था, उसने शुरू में जब किया उसने मेहनत की, अब वो स्टेज पे पहुंच गया कि अब उसे परवाह ही नहीं है बाकियों की, बाकी उसे दे के चाह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बताया जब पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, अगर अभी हम बैठेंगे तो आने वाले 2-3 साल में हम ऐसे स्टेज पे होंगे अमेजोन पे कि लोग हमें फॉलो करेंगे, हम लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। वो यही तरीका है कि हम जब वहां बैठ जाएंगे हमें एडवर्टाइजमेंट की नहीं जरूरत पड़ेगी। जी सर, इसी तरह एडवर्टाइजमेंट फेसबुक भी चल रही होती है, मैसेंजर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी चल रही होती है डिफरेंट प्रोडक्ट की। जी जी तो जब हम वहां पे, वहां भी फिर वो वन नहीं, वो टारगेट डिपेंड हो करते जाता हैं है। वहां दराज की जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है कंपेन इंस्टा पे फेसबुक पे, वो 5,000 में भी चल रही है पर मंथ चल रही है 5,000 में, ठीक है, इस तरह भी तुम्हारे जो एडवर्टाइजमेंट बंदे हो। आते हैं हाँ जी करेगा एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। सर, ये जी जी सर एक क्वेश्चन है, अगर हम फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर करते हैं, अमेजोन पे नहीं करते हैं, जस्ट फेसबुक पे मार्केट प्लेस है, जी वहां पे अपनी कोई चीज जो प्रोडक्ट हमने करनी है, तो उसके भी यही रूल्स होंगे जो अमेजोन के हैं? नहीं, वहां पे मार्केट प्लेस के अलग होंगे ना चार्जेस वगैरह, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देंगे, अपने जो प्रोडक्ट है उसका लिंक शेयर करेंगे आप वहां पे, ताकि जो भी कस्टमर आएगा उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा। उसमें अगर मार्केट प्लेस आपकी है तो आपको एडवर्टाइजमेंट के तो पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर गाड़ी अपनी होती है तो मतलब मैं ये पूछना चाहिए, उनके रूल्स डिफरेंट है अमेज़न से? सर जी ऑब्वियस सी बात है उनके अलग है, लेकिन काम एक ही है। अमेज़न से मुतल्लिक जैसे दराज, उसके अलावा ईबे और भी ऑनलाइन जी वेबसाइट, उनके रूल अलग अलग होते हैं? जी ऑलमोस्ट अलग अलग होते हैं, मतलब प्रोसीजर क्राइटेरिया चेंज होता है। लेट्स सो अमेज़न बहुत बड़ी चीज है तो इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगेंगे। दराज बहुत छोटा है तो इसमें क्या होता है अलग है, दराज तो एडवर्टाइजमेंट देते नहीं है पहले 3 माह के लिए, दराज पे हम अच्छा, अगर दराज पे अगर हम जैसे किसी की प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं या सेलिंग लिस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके भी सबके मतलब इसी तरह हम जी करेंगे जी जैसे अभी हम हाँ, हमने एंड पे फंड मैं हमने आपको सीखी दराज पहले? का भी प्रोसीजर बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आज की सर टॉपिक है जी शादी। मैंने ये पूछना था, जब ने एडवर्टाइजमेंट करनी है जी तो हमारा, आप बता रहे हैं कि किसी ने हमारा एड देखा तो जी हमारे पैसे कटेंगे कि जिसने देखा उसके पैसे अकाउंट से कटेंगे? और एक और बात, यूट्यूब पे अगर हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं जी तो जी वो तो मतलब जबरदस्ती हमें ऐड दिखा रहे होते हैं, जी तो जी ये जरा एक्सप्लेन करें, एक बात की मुझे समझ नहीं लगी सर। अच्छा, हमारे नहीं कटेंगे पैसे जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप ये गार्डन हाउस सेल कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपने ये प्रोडक्ट वहाँ अमेजोन वेयर हाउस में भेजे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट कौन चलवाएगा? आप चलवाओगे, तो पैसे कौन पे करेगा? आप पे करोगे, देखने वाला पे नहीं करेगा या चलाने वाला भी नहीं देगा, जिसने चलवाया वो करेगा, ठीक है शादी। सर जो सेलर होगा, जो अपना मतलब चीज बेच रहा होगा, वो ओके सर, पैसे ओके करेगा ना, जी तो वो एग्जैक्टली। पे चले करेगा। हाँ, चले टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, हम लोग साइड पे निकल गए, ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि हमने ऐसा लेना है जिसमें क्या हमें एडवर्टाइजमेंट कम करनी पड़े एक्सेट्रा, पीपीसी फर्दर हम करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम क्या चीज नोट करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? 25-30%। प्रॉफिट मार्जिन नहीं होना चाहिए। अब ये काम क्यों नहीं, ये प्रॉफिट मार्जिन आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा जब सोर्सिंग करेंगे तब, ठीक है। अब प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है, इसमें क्या हमें 30% ही क्यों रखते हैं या 30% अबव क्यों रखते हैं, या 20-25% से कम क्यों नहीं आते? इसमें क्या होता है कि देखें, आप सेलर यहाँ पे 40,000 बैठे हैं, तो मैं ऐसा प्रोडक्ट हंट करता हूँ जिसके सेलर 2,000 है, 2,000 सेलर है, मैं टॉप 10 में आ गया हूँ। टॉप 10 में आना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रोडक्ट बंदा अच्छे से हंट करे तो टॉप 10 में इजीली आ सकते हैं। अगर मैं टॉप 10 में आ गया हूँ, टॉप 10 ही मेरे कंपटीटर होते हैं, ठीक है, बाकी सारे जो टॉप 10 होंगे वो मेरे कंपटीटर। चले मैं टॉप 3 में नहीं गया था, चौथे नंबर पे तो आ जाऊंगा,
या टॉप 10 में भी आ, 10वें नंबर पे भी आ गया तो पहले पेज पे तो आ जाऊंगा ना बगैर एडवर्टाइजमेंट के। तो ये सारा हंटिंग पे होता है। अब यहाँ पे मैं अगर प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ तो 30% मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा है। अब हम टॉप 10 जो बैठे हैं, जो टॉप 10 कंपटीटर में मैं भी आ गया हूँ, अब हम टॉप 10 है, मेरा भी कंपटीशन किनके साथ है, मेरे टॉप 10 के साथ है, जो वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो टॉप 9 रह जाएंगे उनके साथ है। अब वो क्या करते हैं, किसी ने प्रॉफिट जो है या दे बैठा है वो उसे सेल कर रहा था पहले 30 या 29 पाउंड में, उसने कम किया प्राइस और उसने 15% ऑफ कर दिया 20। अब क्या होगा, उसने प्राइस कम की है 30% ऑफ किया, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ही 15% या 20% होता। तो उसमें मैं अगर मैं मुझे अपने कंपटीटर को देख के प्राइस कम करनी पड़ जाती तो क्या होता, मैं लॉस में चला जाता या फिर मेरा प्रॉफिट जो होता ना होने के बराबर होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जब 30% रखते हैं, अगर इन केस फ्यूचर में मुझे अपने प्राइस डाउन करनी भी पड़ जाए, 10% 15% ऑफ करनी भी पड़ जाए, तो 15% टू 20% मेरे पास प्रॉफिट फिर भी जनरेट हो रहा हूँ। अगर जहां मेरा 10 पाउंड या 20 पाउंड प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वहां पे 10 की बजाय 12 और सॉरी 10 की बजाय 8 या 7 पाउंड हो जाए, 20 बजाय कितना हो जाए 12 या 13 पाउंड हो जाए, तो मुझे मतलब इतना लॉस नहीं होगा जितना अगर मेरा 10 की बजाय 3 या 4 रह जाए। तो ऐसा फिर वो ना होने बराबर प्रॉफिट मार्जिन है वो 25-30% रखते हैं। ठीक है, ये चीज हमने बहुत नोट करनी है। ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, कैसा हम जो हंट करेंगे वो कैसा प्रोडक्ट होगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि जो हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं इसका 25-30 है वो हम profit? वो टूल्स होंगे, वो उनके थ्रू पता चल जाएगा। टूल्स भी होते हैं और खुद हम जनरेट वो कैलकुलेट भी करते हैं, वो मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, वो फर्दर जब हम सोर्सिंग करेंगे तो ये प्रॉफिट कैलकुलेटर उसमें आएगा, हम उसमें करेंगे। फर्दर टूल्स में भी है, टूल्स में तो यूज करना मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन वहाँ कैलकुलेट जो करने हैं खुद वो कैलकुलेटर होता है उसके थ्रू हम करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी एक वेबसाइट है उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हम टूल्स यूज करेंगे इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में, हम टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं, जो मेन टूल्स होते हैं, जो बेस्ट टूल्स कंसिडर होते हैं वो क्या है, हीलियम 10, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च, ये तीन टूल होते हैं। मैं जिसे भी भेजना हो प्रोडक्ट में, इन तीनों के रिजल्ट भेजता हूँ, इन तीनों के रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली मैच होने चाहिए। मैं 100% मैच नहीं कह रहा, ये टूल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं, इनमें ऊंच नीच हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली मैच होने चाहिए ये मेरे, इनका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली मैच होना चाहिए। अब हीलियम और जनरल स्कोर पे हम कितना रिलाई करते हैं, 70-80% इन पे रिलाई करते हैं। ठीक है, वायरल लॉन्च भी राउंड अबाउट आ जाता है, 70% इस पे रिलाई करते हैं, लेकिन वायरल लॉन्च में अब जो अपडेट्स आई हैं वो जंगल स्काउट और हीलियम 10 को पीछे छोड़ रही हैं। ठीक है, हीलियम 10 जंगल स्काउट हमें कंपटीटर एनालिसिस के लिए और प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बेस्ट है, जो वायरल लॉन्च है ये कीवर्ड रिसर्च के लिए बेस्ट है। फर्दर जो कीपा है, एक कीपा भी टूल है, वो किसके लिए, वो होलसेल प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो न्यू कंट्रीज में जो न्यू आ रहे हैं, ठीक है, न्यू वेबसाइट्स बन रही है Amazon पे, जो न्यू मार्केट प्लेस है, बताइएगा दोबारा किस लिए यूज होते हैं ये हमें प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च करना उसके लिए और कंपटीटर एनालिसिस के लिए। ठीक है, सेम प्रोसीजर यही वायरल लॉन्च भी इसी के लिए यूज होता है, लेकिन वायरल लॉन्च में जो कीवर्ड्स हैं वो ज्यादा बेस्ट आ जाते हैं, हालांकि कीवर्ड्स हीलियम में और जंगल स्कोर में भी बेस्ट आते हैं, लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में हमारे पास वायरल लॉन्च के ज्यादा बेस्ट आते हैं। ठीक है, और तीनों टूल्स के सेम वर्किंग है, बस तो थोड़ा सा मेथोडोलॉजी अलग है। अगर जैसे हम किसी ये लिस्टिंग कर रहे हैं तो ये आपके पास अपने टूल, ये लिस्टिंग के लिए नहीं, ये हंटिंग के लिए यूज होंगे, तो हंटिंग के लिए ये आपके अपने पास होने चाहिए। जब आप प्रोफेशनली काम करोगे तो ये आपके पास आपने होने चाहिए। टूल्स जो प्रोवाइडर हैं वो बहुत महंगे महंगे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मेरे पास टूल प्रोवाइडर है जिससे मैं टूल्स बाय करता हूँ, मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस पे देता है वो। अगर बाकी 4,000 में दे रहे हैं तो वो मुझे बहुत मुनासिब दे देगा। बाकी जो सेलर होगा जो हमसे हंटिंग करवा रहा होगा तो ये उसके चार्जेस पे नहीं करेगा जो करवा रहा होगा? नहीं, टूल्स के वो नहीं करेगा। सर मैं भी टूल सेल करती हूं। अच्छा सना, ठीक है, चलें फिर आपके पैकेजेस चेक करते हैं, क्या है आपके पैकेजेस? जी मैं सेंड कर दूंगा। हाँ फर्दर चलें, हाँ क्लास के बाद करते हैं। अच्छा ठीक है, ये चीजें थी, उसके बाद
जी सर, अगर हमको हमें अमेज़न का स्पॉन्सर एड सर्टिफिकेट चाहिए हो तो हम ये कैसे जी हासिल करेंगे और ये क्यों जरूरी होता है? स्पॉन्सर एड सर्टिफिकेट इसका तो कोई नहीं है मुझे पास इल्म कि कैसे करेंगे हम, ठीक है। और ये पीपीसी कैंपेन जो करता है उसके लिए नेसेसरी होता है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। जो पीपीसी कैंपेन वाली साइट, तो ये पीपीसी कंपेन क्या होता है? ये फर्दर ये पे पर क्लिक होता है, इस टॉपिक से डाइवर्ट ना हो जो हमारा टॉपिक हम उसी पे रहते हैं। जब पीपीसी कैंपेन का आएगा हमारा तो उस वक्त मैं ये फर्दर सारी डिटेल आपको दूंगा। पीपीसी कैंपेन को ईच एंड एवरीथिंग कैसे करते हैं क्या क्या होता है क्या क्या उसकी मेथडोलॉजीज हैं कैसे किस किस पे वो पीपीसी कैंपेन लगती है वो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो टॉपिक है आप उसी पे रहे, अभी डाइवर्ट होंगे तो हमारे पास ऑलरेडी टाइम 40 मिनट तो गुजर भी गया हमारे क्लास के। तो अच्छा आज सर, ये मैं थैंक आपका यू सो जो है ना मच। सर्टिफिकेट ये मैं क्लियर कर दूंगा। सर जैसे अगर हमारे हम कोई हंट कर रहे हैं उसमें मिसाले 1 लाख सेलर्स हैं, तो सर बाकी अगर हम जैसे फर्स्ट पेज पे जो 10 आ रहे हैं और बाकी जो दूसरे पेजेस पे जा रहे हैं, तो उनको जैसे ये सब नहीं आइडिया होगा कि हमें किस तरह हंटिंग करनी है, हम क्यों नहीं आ रहे फर्स्ट पेज पे, तो वो जैसे इस चीज के लिए जैसे वो सब चीजें नहीं कर रहे होंगे जो हम लोग कर रहे होंगे। नहीं वो उनका क्राइटेरिया अलग होगा, वो कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लोग ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करते। जब जब हंटिंग कर रहे होते हैं तो बस मोटी मोटी चीजें देखते हैं, ठीक है प्रोडक्ट बेस्ट है चलो भाई जाओ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, डू नॉट वर्क सो वी डू नॉट प्रोडक्ट यूएई। अच्छा ये फ्री का एसेस नहीं कर रहा हीलियम का, अदरवाइज हीलियम करता है यूएई वगैरह पे। तो मिस आपका जो था, अगर 1 लाख सेलर हमारे पास है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी सेलर बैठे हैं ना वो 1 लाख सेलर किस वजह से बैठे हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड है वहां जिस मार्केट में वो 1 लाख सेलर बैठे हैं, लेट्स सपोज। तो उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है तो वहाँ 1 लाख सेलर बैठे हैं। और आप वहाँ 1 लाख सेलर का एनालिसिस करें तो हर जितना भी 1 लाख सेलर बैठे हैं हर बंदे का मिनिमम रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा होगा, 3 से 4 हजार डॉलर फिर भी वो जनरेट कर रहा होगा मिनिमम मिनिमम, जो सबसे कम सेलर बैठ होगा, ठीक है। जिसकी लिस्टिंग 1 2 3 माह भी पुरानी होगी वो भी 3 4 5 हजार डॉलर जो है उसकी मंथली अर्निंग हो रही होगी, प्रॉफिट हो रहा होगा। और फर्दर अगर वो एडवर्टाइजमेंट चलाए 1 वीक की एडवर्टाइजमेंट चला दे तो उसका वही जो रिवेन्यू होगा 5 हजार की बजाय 10 से 15 हजार हो जाएगा 1 वीक के अंदर अंदर, क्योंकि वो टॉप पेज पे आ जाएगा। 1 वीक भी अगर कोई आपकी टॉप पेज आवाज पे नहीं रहते आ रही हैं, बिल्कुल बाकियों की भी नहीं आ रही, बाकियों को तो सर, आ ना रही आ है रही आवाज। बिल्कुल सही आ रही है, हाँ आवाज चलो फिर। अच्छा ठीक है, ये होता है कि वो एक एक वीक के लिए भी अगर टॉप पेज पे आ जाए तो उसमें क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो 5 हजार की बजाय 15 हो के, ठीक है। ये चीज होती है, जो अगर 1 लाख बैठा तो 1 लाख में से वो सारे लोग जो है 3 दिन की कोई, 1 दिन की कोई, 1 वीक की एडवर्टाइजमेंट चलाता है ताकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो। वो 1 हजार डॉलर इन्वेस्ट करता है, बदले में 10 हजार कमाता है। वो टेक्निक्स होती है बिजनेस टेक्निक्स, जिस तरह हर बिजनेस जो भी बिजनेस हम करते हैं उसमें अलग टेक्निक्स अलग मेथडोलॉजीज यूज होती हैं, अच्छा सर, जैसे ठीक है। एक लाख वो सेलर्स इंसान के अपने बैठे थिंकिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा सर जैसे 1 लाख सेलर्स बैठे हैं, तो सर वो सारे के सारे अर्न कर रहे होंगे उसमें से, भले वो दूसरे थर्ड या हाँ किसी भी पेज पे बैठे हों। जी हाँ एग्जैक्टली, सारे अर्न कर रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं बैठा होगा कि जो खाली हाथ बैठा हो कि भाई मैंने कर लिया, ठीक है। सारे अर्न अच्छा सर, कर रहे होंगे इसमें कुछ ना कुछ। अमेज़न में ऐसा नहीं होता जैसे हम आम मार्केट में देखते हैं अपने आम रूटीन के, जैसे दुकानें खुली हुई होती है, जैसे किसी को नुकसान कोई हो जाता है, कभी किसी को कारोबार बंद करना पड़ जाता है, तो ऐसा अमेज़न में होता है होता है जैसे? होता है बहुत ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है। अमेजोन पे वो कैसे होता है, कब होता है कि जब हम बगैर ये देखे कि भाई इस पे कितने इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो आगे कंपटीटर मेरे कितने स्ट्रांग बैठे हैं। अगर लेट्स सपोज जैसे हम हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं हूँ आप हैं या कोई और हो जाता है, अब उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 हजार डॉलर, लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट 5 हजार डॉलर है, ठीक है। और वो इन्वेस्ट वो कर ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ऐसा प्रोडक्ट ले लेता है, ऐसा प्रोडक्ट सोर्स करवाता है जिसके जो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी पड़ी है, 5 हजार की वो मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं, सोर्सिंग उसकी हो जाती है, प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं। अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता कि वो एडवर्टाइजमेंट चला सके, 1 दिन की एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते। तो क्या करता है, फिर बैठा रहता है, कहता है बस जी अब अल्लाह ही गाहक देगा। अगर लड़ते वो 1 लाख सेलर बैठे हैं और इस ऐसे उस बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें 1 लाख सेलर बैठे थे और उसके पास सिर्फ 5 हजार डॉलर थे और 5 हजार उसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा लिया, एडवर्टाइजमेंट के उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो बैठा रहेगा 1 माह बैठेगा 2 माह बैठेगा, कोई सेल नहीं हुई है, 1 2 सेल हुई है दिन में,
या महीने में इसकी 10-12 सेल्स हुई है तो बहुत कम सेल्स हैं इसकी एज कम्पेयर टू अदर्स। बाकी कितने सेल्स ले रहे हैं महीने में 2000-2500 सेल ले रहे हैं और ये महीने में कितनी ले रहे हैं 15-20 सेल्स ले रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो क्या करेगा 6 माह 7 माह देखेगा, देखेगा भाई ये प्रोडक्ट मुझे लॉस दे रहा है, क्योंकि वेयर हाउस चार्जेस उसे आपकी जेब से भरने पड़ेंगे। वो कहेगा ये प्रोडक्ट मुझे लॉस है, इसमें मुझे फायदा नहीं हो रहा, मैं इन्वेंट्री से या तो वापस लेगा या फिर होलसेल में बेच देगा। ये प्रोसीजर होता है, इसका लॉस होता है। फर्दर हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, अभी क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, बहुत ज्यादा हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। फर्दर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ जो फर्दर हम टूल्स करेंगे इंशाल्लाह कल सनवर्ड। कल थोड़ी सी मैनुअली हंटिंग करने का तरीका बताऊंगा कि हम मैनुअली हंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह वेंसडे को हम टूल्स यूज करेंगे, पहले हीलियम 10 यूज करेंगे, फर्दर उसको डिटेल में उसके ईच एंड एवरीथिंग, उसमें उसकी एक्सटेंशन कैसे लगानी है, उसके फ्री एसेस कैसे लेनी है, उसका अकाउंट कैसे बनाना है, फर्दर ईच एंड एवरीथिंग। फिर जंगल स्काउट का वर्किंग मेथडोलॉजीज जो है उसकी सेम हीलियम की भी हम यूज करेंगे। फिर वायरल लॉन्च की, इनको मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि जैसे हमने लिस्टिंग की है, अब लिस्टिंग का आपको तरीकाकार बताया कि हमने अगर कोई हमसे लिस्टिंग करवाया तो उसे हमने कैसी फाइल भेजनी है। सिमिलरली फिर मैं आपको इसकी हंटिंग की आपको फाइल जनरेट करना सिखाऊंगा कि हमने इसकी जनरेट करनी कैसे करनी है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ करेंगे। ये चीजें, ये प्लान है मेरा, ठीक है। अभी इंशाल्लाह जो चीजें हैं मैं एक और थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ये टूल्स हैं, उसके बाद मैं आपको फ्री टूल्स की एसेस दूंगा, वो बताऊंगा, और कुछ इसमें भी ट्रिक्स हैं जिस तरह वहाँ पे लिस्टिंग में ट्रिक्स थी, इसमें भी ट्रिक्स हैं, वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और बाकी वही मैंने वेरी स्टार्ट में बात की है कि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। अब बिजनेस में भी बहुत से लोग आते हैं, बिजनेस फील्ड में भी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कितने होते हैं? चंद सक्सेसफुल होते हैं, और वो सक्सेसफुल होते हैं जिनकी सोच रिच हो, बड़ा सोचने की काबिलियत रखता हो, रिस्क लेने का उसमें हो, डेयरिंग हो वो, ठीक है, रिस्क लेने का हौसला हो उसमें, सिर्फ कामयाब वही होता है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम स्टेप लेने से डरते हैं, भाई अगर मैंने ये स्टेप ले लिया और मैं गिर गया तो फिर तो गया, ठीक है, हमें स्टेप लेना पड़ता। जी पूछे, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो अगर वो यहाँ जैसे ब्रांड है, जैसे लाइमलाइट हो गया, कार्डी हो गया और कैसी वगैरह, तो ये तो हर जगह पे है ब्रांड, अगर इन्हीं के तो तक प्रोडक्ट लेके जाए अपने सेल के लिए तो वो बेटर है या कोई और? नहीं, इसमें क्या होगा, आप किसी और ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। लेट्स सपोज वेरी स्टार्ट में तो आपको ब्रांड नहीं छेड़ता है, लेट्स सपोज आप लाइम लाइट का करते हैं ऑनलाइन काम, तो ब्रांड आपको 1 साल या 2 साल नहीं छेड़ता, 1-2 साल आप करते हो, 1-2 साल बाद आप अपने स्टोर पे इतनी वर्किंग कर लेते हो कि आपका स्टोर जो है ना वर्ल्ड वाइड रैंकिंग पे पहुंच जाता है और आपका सेल्स बहुत बढ़ जाती है, तो आपको पता चलेगा वो आपको केस, आप पे केस कर देगा, आपकी सारी इन्वेंट्री, आपके सारा जो भी रेवेन्यू, जो भी सब कुछ होगा वो हो जाएगा, क्योंकि ब्रांड है। अगर हम ब्रांड अप्रूवल दे देते हैं तो फिर आप इसे एज अ होल सेल कर सकते हैं, अपना प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी और ब्रांड को बेच रहे हैं, प्राइवेट लेबल में आपको ब्रांड अपना बेचना पड़ता है। सही सर, मैं इसलिए कह रही थी इसमें हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, पीपी से कम करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइज है। जी लेकिन ये Amazon पे तो एडवर्टाइज नहीं है ना, Amazon पे एडवर्टाइज आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब किसी ब्रांड का कुछ देर के लिए अपने स्टोर को स्ट्रांग करने के लिए कर लें और फिर बाद में हम अपना लॉन्च कर दें ब्रांड। स्टोर, आपका स्टोर जो होता है वो आपका नहीं रेटिंग होती, जो आपकी लिस्टिंग हुई होती है ना वो रेटिंग होती है। लेट्स सपोज आप चलें एक कुछ अर्से के लिए आपको कोई ब्रांड आप करते हैं, बाद में आप वो लिस्टिंग डिलीट कर देते हैं तो आपका स्टोर फिर जीरो पे आ जाएगा, फिर जो फर्दर न्यू रिलिस्टिंग करेंगे आपको उसे फिर अगेन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, टूल्स का मैं बता रहा था कि हीलियम, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च, उसके बाद बाकी फ्री है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, ई ग्रो है, ठीक है, Amazon सजेशन एक्सपेंडर है, ये सारे टूल्स हैं, फर्दर और भी, तो ये ग्रामरली ये सब कुछ, और उसके बाद एक और टूल है उस पर मैं आपको, आपको मैंने कहा है कि एंड पे मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा जो बगैर इन्वेस्टमेंट के मैन्युफैक्चर होता है और आपके पास इन्वेस्टमेंट ना भी है। लास्ट क्लास में आपने बताया था, आपने कहा था मैं बताऊंगा। जी वो प्रोडक्ट खुद जनरेट करना पड़ता है, वो आपको मैं तरीकाकार बताऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो उस पे मतलब ये होता है कि आपके पास मतलब इंशाल्लाह, यार जिंदगी रही तो बताना तो है, इंशाल्लाह तो कहते हैं इरादे पुख्ता करने के लिए, ठीक है। वो उसमें क्या होता है कि आपके पास बगैर मैन्युफैक्चरिंग के होता है कि जैसे ये सारा हमें खुद कैलकुलेट करना, जी
सारा ये हम लोगों को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है या मैं सोर्सिंग में या मैन्युफैक्चर में कितने इसमें सब कुछ लग रहे हैं। दो क्लिक होते हैं सर, दो क्लिक में पता चल जाता है। फिर प्रोसीजर जब करेंगे तो आपको पता चल, बहुत आसान है ये कैलकुलेट करना, ठीक है। प्रॉफिट जो इस पर प्रॉपर एक है, वेबसाइट है, उस पर करते हैं। जिस तरह HTML कोडिंग थी वो तो चले बहुत ज्यादा सिंपल थी, इसमें बस तीन चार एंट्रीज करनी होती हैं, वो सिंपल है, ये भी ये फर्दर हो जाएगा। अब मैं टूल्स का अभी यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट, कि हम जो प्रोडक्ट लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज लेनी है, कौन कौन सी कैटेगरीज नहीं लेनी। प्राइवेट लेबल में होता है गेटेड प्रोडक्ट। टाइम रह गया हमारे पास 14 मिनट, और अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा एट द एंड। इस टॉपिक एंड पे मैं इस टॉपिक को होप सो इस तरह क्लियर करूंगा, मतलब इस तरह ब्रीफ करूंगा, सिंपल वर्डिंग में समझ आ जाएगा सबको। फर्दर एंड पे जिसका कोई क्वेश्चन होगा वो पूछिए। गेटेड प्रोडक्ट क्या होता है प्राइवेट लेबल में? लेट्स सपोज आप में से कोई मोहम्मद शेर प्रोडक्ट सेल आउट करता है। अब इसने ऐसा प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है, ग्लास सेल कर रहा है, इसने ग्लास का डिजाइन ऐसा बनवाया और ये चाहता है कि मेरा जो डिजाइन है ना, इसका डिजाइन बहुत ज्यादा दुनिया में मकबूल हो गया, बहुत ज्यादा इसके सेल्स हो रही है, लोग इसके ग्लास की तरफ आ रहे हैं, इसके डिजाइन ग्लास के डिजाइन से मुतासिर होके। ये क्या करवाता है, ये इस प्रोडक्ट को क्या अमेज़न को कहता है, ये जो डिजाइन है ना मेरे ग्लास का, इसे पेटेंट कर, इसे पेटेंट कर दो, सॉरी ये पेटेंट होता है, पेटेंट करवा रहा हूँ, इसे पेटेंट कर दो। जब वो पेटेंट हो जाएगा, वो जो डिजाइन होगा वो शुएब के नाम पे हो जाएगा। अब उस तरह का डिजाइन कोई और अगर बनवाता है तो शुएब जब उस पर केस करेगा तो उसकी सारी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी, उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, उस डिजाइन का गिलास और कोई नहीं बनवा सकेगा श्वेब के अलावा। पूरी दुनिया में उस डिजाइन का कोई गिलास अमेज़न पे सेल नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ श्वेब कर सकेगा, ठीक है। ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारा कोई प्रोडक्ट जो हम प्राइवेट का लॉन्च करते हैं, प्राइवेट लेवल का, तो उसकी सेल्स बहुत ज्यादा आ जाती है, लोग बाकियों को छोड़ के हमारी तरफ आ रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे डिजाइन की तरह ना लोगों ने और भी बनाना शुरू कर दिया, तो हम क्या करते हैं अपना प्रोडक्ट पेटेंट करवा लेते हैं। जब पेटेंट करवाते हैं तो फिर उस तरह का डिजाइन, उस तरह का जो भी होती है, कोई भी नहीं डिजाइन नहीं बनवा सकता, वो सिर्फ हमारा नाम हो जाता है प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं पेटेंट करवाना कहते हैं, वो पेटेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है गेटेड कैटेगरीज। अब गेटेड कैटेगरीज क्या होती है? गेटेड कैटेगरीज ऐसा प्रोडक्ट होता है, गेटेड प्रोडक्ट जिसे बेचने के लिए हमें अमेज़न से या जिस कंट्री में हम बेच रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़े, फिर बाद में उसे बेच सकें। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी। अगर लेट्स सपोज आप गाड़ी मैन्युफैक्चर करवाते हैं चाइना से, और आप चाहते हैं कि मैं उसे सेल आउट करूँ यूएसए या यूके में, तो जब यूएसए या यूके में आप सेल आउट करना चाहेंगे तो अमेज़न आपको क्या कहेगा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, आप पेटेंट कितने टाइम पीरियड के लिए करवा सकते हैं, लाइफ टाइम भी करवा सकते हैं पेटेंट आप, ठीक है। और उसके बाद जब आप सेल आउट करना चाहेंगे गाड़ी वगैरह, तो अमेज़न क्या कहेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप इस तरह करें, गवर्नमेंट से परमिशन ले लें। आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट आपको क्या कहेगी, आप मुझे गाड़ी के एक सैंपल दो, मैं टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट के लिए आपका एक प्रोडक्ट लेंगे, उनके इंजीनियर्स जो होंगे वो करेंगे आपका प्रोडक्ट, चेक करेंगे, बाद में एट द एंड वो क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि चाइना से मैन्युफैक्चर हुई गाड़ी, वो भी पाकिस्तान का सेलर, और वो यूएसए यूके में सेल करने देंगे? कभी भी नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए की अपनी इंडस्ट्रीज हैं, यूके की अपनी इंडस्ट्रीज हैं, और ऐसा कौन सा मुल्क है जो चाहता है कि बाहर से लोग करें, हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से लोग सेल करें और हम अपनी इंडस्ट्रीज को ताला लगा दें। इसकी एग्जांपल मैं से देता हूँ, लेट्स सपोज आपकी शॉप है, ठीक है शाहजीब, लेट्स सपोज कोई आपकी शॉप है, आप चले ब्रांड बेच रहे हैं कोई, मैं आता हूँ, चले मैं या आपका कोई भाई आ जाता है, आपका भाई आके कहता है भाई आप ब्रांड बेच रहे हो ना, ये मेरा भी कुछ ब्रांड है, लेट्स सपोज उसका भी कोई ब्रांड है बड़ा, वो आपको कहता है ये मेरा भी रख लो, साथ मेरा भी सेल कर देना, तकरीबन आपका ब्रांड सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो आप क्या करोगे, आपके पास जब ग्राहक आएगा, जब कस्टमर आएगा, तो आप क्या करोगे, पहले अपने भाई का प्रोडक्ट दिखाओगे या अपना दिखाओगे? ऑब्वियस सी बात है, पहले अपना चाहोगे कि मेरा सेल हो, भाई का बाद में सेल होगा। सेम ही होता है कि जिस मुल्क में हम अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो मुल्क क्या करता है, भाई पहले मेरे मुल्क का सेल हो, इसे नहीं, वो क्या करेंगे आपसे टेस्ट के लिए ले लेंगे। अब टेस्ट जो करवाएंगे उसके जितने भी चार्जेस होंगे वो मुझे या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं गाड़ियों पे, उसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। वो कम से कम 50 लाख या 60 लाख सिर्फ टेस्टिंग पे लग जाते हैं, बड़ी प्रोडक्ट जिस तरह गाड़ी या मोटरसाइकिल है तो इसके टेस्टिंग पे लग जाते हैं, और फिर भी परमिशन नहीं मिलती, ठीक है। इसमें फर्दर कैटेगरीज में एंड पे बताऊंगा गेटेड प्रोडक्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। अब ये पे मैं आप पे आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको सेल आउट करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़े गवर्नमेंट से या अमेज़न से, उसे गेटेड प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी गाड़ियों की सिर्फ समझाने के लिए, हालांकि ये गेटेड प्रोडक्ट ही आता है, बाकी मैं कैटेगरीज बताऊंगा, ये इसकी तो मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट मेरा होता है जो केमिकली सिंथेसाइज होता है,
जिसमें केमिकल यूज हो रहे हैं। अमेजोन वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करने देता जिसमें केमिकल यूज हो, तब तक सेल आउट नहीं करने देता जब तक उसकी सारी डिटेल या उस गेटेड प्रोडक्ट को अनगेटेड ना करवाया जाए। अब उस गेटेड प्रोडक्ट को अनगेटेड कैसे करवाते हैं, लेट्स सपोज कोई केमिकली सिंथेसाइज, आप सोप ले लें, बेबी सोप ले लें या बेबी लोशन ले लें, लेट्स सपोज बेबी लोशन है, केमिकली सिंथेसाइज होता है, अब मैं उसे सेल आउट करना चाह रहा हूँ अमेजोन पे, तो अमेजोन क्या कहेगा, इस ये गेटेड प्रोडक्ट है, इसे पहले अनगेटेड करवाओ। अनगेटेड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर से सारी डिटेल लेनी पड़ेगी कि उसने कौन कौन से केमिकल कितनी कितनी मिकदार में लिए हैं, फिर वो सारी उससे चार्ट में एक लूंगा, जो भी उसका होगा एक शीट भेजेगा मुझे कि मैंने कैसे मैन्युफैक्चर करवाया, वो सारे जो फार्मूला यूज करेगा, ठीक है, वो मुझे सारे सेंड करेगा, वो फर्दर मैं अमेजोन को दिखाऊंगा, एक मुझे NOC दिया जाएगा मैन्युफैक्चरर की तरफ से, मेडिसिन फर्दर बताता हूँ आपको, फाद हमें NOC देगा फिर अमेजोन, जब हम वहाँ मैन्युफैक्चरर से डिटेल लेके अमेजोन को भेजेंगे, अमेजोन हमारा प्रोडक्ट मंगवाएगा, उसे टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद अगर प्रोडक्ट हमारा सही है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, ओके कर देगा, हमें NOC दे देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद हम वो प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो उसमें अनगेटेड करवाने के लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं और वो बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में लगते हैं। तो इसलिए हमारी जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट होती है, हमारी यही कोशिश होती है कि हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करें जो गेटेड कैटेगरी में ही ना हो, मतलब अनगेटेड ही हो, जिसे हमें अनगेटेड ना करवाना पड़े, उस पर खर्चा ना करना पड़े, हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करते हैं जो गेटेड नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताता हूँ, हम उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं लेते, ठीक है, वो गेटेड कैटेगरीज हैं, जो भी जितनी भी कैटेगरी, ये नोट डाउन कीजिएगा, जितनी भी कैटेगरीज करवा रहा हूँ ये अनगेटेड कैटेगरीज हैं, इनमें से हम हंटिंग नहीं किया करेंगे, ठीक है, इनके इनसे हट के करेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑटोमोबाइल्स। अब ऑटोमोबाइल्स क्या है, यही कार्स, बाइक्स एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें, बेबी प्रोडक्ट्स। अब बेबी प्रोडक्ट्स में दो तरह के प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, एक बेबी टॉयज आ रहे होते हैं, एक लेट्स बेबी सोप, बेबी लोशन और इस तरह के जो केमिकल सिंथेसाइज प्रोडक्ट होते हैं वो। अब बेबी टॉयज हम सेल आउट कर सकते हैं जो टॉक्सिक नहीं है, जो हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो चीजें केमिकल सिंथेसाइज हैं वो गेटेड है, उनमें हम नहीं जाएंगे। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में क्या होता है, इसमें हेल्थ में मेडिसिन आ जाता है, मेडिसिन गेटेड प्रोडक्ट है, मेडिसिन नहीं हम सेल आउट कर सकते अमेजोन पे, ठीक है, ये नहीं सेल आउट कर सकते। उसके बाद ब्यूटी, ब्यूटी में क्या आता है, मेकअप किट आता है। अब मेकअप किट में भी एक्स्ट्रा मतलब मोस्टली ऐसे मेकअप होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, मुझे तो नहीं पता, मेकअप में ज्यादा कुछ क्रीम्स हो जाती हैं, ठीक है, ब्यूटी क्रीम्स हो जाती हैं, फेशियल्स हो जाती हैं और इस तरह जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मेकअप के, केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, गेटेड होते हैं, हम उनमें नहीं जाते, ठीक है। और उसके बाद टॉयज मोस्टली ऐसे होते हैं जो केमिकली सिंथेसाइज हों, लेट्स सो बच्चों के ही होते हैं, जिस तरह वो क्या कहते हैं, सिर्फ पंजाबी में चूसनी कहते हैं, अब इंग्लिश में वट एवर जो भी कहते हैं, ठीक है, वो मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, उन पे अमेजोन एतराज करते हैं, उनमें नहीं जाते। उसके बाद इंडस्ट्रियल या लैब सिंथेसाइज प्रोडक्ट में नहीं जाते हम, जो लैब में सिंथेसाइज प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जिस तरह हाँ बेबी शक्कर जो, ठीक है, क्या नाम है, लैब में सिंथेसाइज होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में नहीं जाते, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में क्या है, फैन आ गया, AC, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कूलर, लैपटॉप, मोबाइल्स, इन कैटेगरीज में हम नहीं जाते। अगर जाना भी है तो फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट में होनी चाहिए। फूड में क्यों नहीं जाते, ये गेटेड क्यों है, इसकी एक्सपायरी डेट, एक तो सबसे बड़ा ये एक्सपायरी डेट है, उसके बाद क्या है कि ये भी टॉक्सिक हो सकती है, ये दोनों वजह हैं। ये जो कैटेगरीज आपको बताई हैं ये क्या है, ये गेटेड कैटेगरीज हैं। हम जो भी प्रोडक्ट हंट करेंगे इन कैटेगरी से हट के करेंगे। एक मैंने आपको बताया हम कर सकते हैं बेबी वाली, उसमें क्या है, उसमें भी टॉयज वाली कैटेगरी लेंगे, सोप्स लोशन वाली कैटेगरी नहीं लेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ बताया। उसके बाद एक और चीज, 5 मिनट रहते हैं वो बता दूं, फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट ईयर मैं लिस्ट फिर अगेन कल जब हम करेंगे उस वक्त अगेन कर दूंगा, आपको बता दूंगा। अब हम वो प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो हम अवॉइड करते हैं, जो प्रोडक्ट हम नहीं लेते, वो कौन कौन से हैं, एक इजिली ब्रेकेबल, मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते जो मिरर वगैरह या ऐसा जो इजिली ब्रेकेबल हो, ऐसे प्रोडक्ट में हम नहीं जाते क्योंकि उसमें फिर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हम क्या, हैजमेट, जो मतलब हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो, वही केमिकली या टॉक्सिक हो, हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते। लिथियम आयन, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बैटरी वगैरह हो, वो हम नहीं लेते। मल्टी वेरिएशन वो क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें ऐसे ज्यादा बाय करने पड़ते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते। ये कुछ प्रोडक्ट्स से ये नहीं लेते, ये फर्दर मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा जब हम टूल यूज करेंगे और प्रॉपर हंटिंग स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आज आपको दिया ये हंटिंग का ओवरव्यू था जी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैंने आपको बताया कि वो भी हम नहीं लेते।
ठीक है, लिथियम बैटरीज के बाद क्या बता? लिथियम बैटरीज के बाद मैंने बस वो बताया कि मल्टीपल वेरिएशंस में नहीं जाते हम, तो जिस तरह ये शर्ट है या क्लॉथिंग वगैरह है, शूज हैं, तो इनकी मल्टीपल वेरिएशंस, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, जो जाते जल्दी हैं। ब्रेक, जो चीजें जल्दी ब्रेक एबल हो जाती हैं सर, वो भी नहीं जी मैंने आती। मेंशन किया जी। चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। फर्दर ये जो अभी मैंने लास्ट पे बताया गेटेड का और पेटेंट का, ये फर्दर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, और इंशाल्लाह कल मैनुअल हंटिंग करेंगे और उसके बाद फर्दर टूल यूज करेंगे। ठीक है सर, टाइमिंग पे काइंडली थोड़ा गौर फिक्र कीजिएगा। हाँ मैं करता हूँ, टाइमिंग का ग्रुप में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और टाइमिंग ऑब्वियसली बात है, अब विंटर टाइम नहीं, अब विंटर टाइमिंग हर तरफ हो गई, ईशा 8 बजे हो गई है यार, आगे वर्किंग, मैंने भी तो वर्किंग करनी होती है, फिर से उठना भी होता है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये चेक करते हैं, चले क्लास में ना ग्रुप में डिस्कस ओके करते हैं, सर। उसके बाद फाइनल करते हैं। ये जी मल्टीपल वेरिएशन जो बताया, ये गेटेड प्रोडक्ट में तो नहीं आएगा, इसमें तो इन्वेस्टमेंट अगर आप है तो आप मल्टीपल हाँ वेरिएशन। जी, ये उसमें आ जाता है ना, इसमें गेटेड गेटेड हम इसलिए इसे, ये एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम इसे गेटेड इसलिए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या कहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब ना करनी पड़े, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो और खर्चा कम हो, तो ऐसा प्रोडक्ट, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा है मल्टीपल वेरिएशन में। सर पेटेंट भी बता दें। मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन ये मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो टाइम ओवर हो गया क्लास का, 11 हो गए, ये पेटेंट और गेटेड मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। सर ये पेटेंट प्रोडक्ट अलग वेबसाइट से रजिस्टर्ड होते हैं या अमेजोन वाले ही कराते हैं? ये अमेजोन से ही होते हैं। अच्छा, और सर ये पेटेंट की चार्जेस का पता है आपको, मतलब ये मंथली बेसिस पे हो रही है या ईयरली बेसिस या लाइफ टाइम, मतलब जिस तरह पेटेंट ये लाइफ बंदा टाइम भी हो सकते हैं, ये काम डिफरेंट है, ये डिफरेंट इसके होते हैं, ये लाइफ टाइम भी हो अच्छा वो सकते हैं चार्जेस हमें शो कराते हैं। जी। तो इसके पेटेंट करवाने के साथ चार्जेस होते हैं? ये ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ये फर्दर मैं 2 टॉपिक्स अगेन करवा दूंगा, पहले भी करवा चुका हूँ ये, लेकिन अगेन करवा के फिर हंटिंग स्टार्ट करेंगे मैनुअली, लेकिन ये 5-10 मिनट में मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, जिसका जो क्वेश्चन होगा इन 2 टॉपिक्स से रिलेटेड वो कल पूछ। सर ये मैंने आपको बताया था ना, अमेज़न स्पॉन्सर एड सर्टिफिकेट, जी सर मुझे इसका कुछ मटेरियल मिला है तो मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूंगा आपके साथ। हाँ चलें ठीक है, ये फर्दर मैं जब पीपीसी कंपेन करवाऊंगा आपको करवा दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़।